मैं क्षितिजा फ्रॉम एमएनएस न्यूज लाइव। सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय में नाबालिग से दुष्कर्मी, आरोपी गिरफ्तार। भारतीय सेना के कोलकाता स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय कोर्ट विलियम में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। आरोपी सेना के ग्रुप डी का कर्मचारी है। उस पर पोस्को अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना पिछले सप्ताह शनिवार को लड़की के घर पर उस समय हुई थी जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे। नाबालिग के पिता भी सेना के ही कर्मचारी है। आरोपी को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया है जहां उसे 24 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लड़कों की लड़ाई में बीच बिछाव करने पहुंचे बिल्डर तो उसी को मार दिया गोली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों खुलेआम किसी को गोली मार देने की घटना बढ़ती जा रही है। बुधवार को यहां के लक्ष्मी नगर इलाके में एक बिल्डर को दो लड़कों के झगड़े में बीच बचाव करने के चलते गोली मार दी। हालांकि गोली पैर में लगी और बिल्डर जीत बच गए। पुलिस ने बताया कि पेशे में बिल्डर जीत अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी उन्होंने सनी और विपिन नाम के दो लड़कों के बीच लड़ाई होती दिखी। जीत इन दोनों रोकने और बीच बचाव करने के लिए पहुंच गए। इस बीच दोनों लड़कों में झगड़ा तो रुक गया, लेकिन कुछ देर बाद विपिन ने अपने साथियों के साथ वापस आकर जीत के दाहिने पैर में गोली मार दी और सभी भाग गए। फिल्म धड़क की तर्ज पर दलित जीजा का साले ने दोस्तों की मदद से किया मर्डर। हिंदी फिल्म धड़क की तर्ज पर 3 अप्रैल 2019 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक दलित राजमिस्त्री राजकुमार अहिरवार की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में राजकुमार के साले और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। ककरदा गांव के मूल निवासी 24 साल के अंकित सिंह और 23 साल के भूपेंद्र सिंह को लुधियाना पुलिस की टीम ने छतरपुर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 2011 में राजकुमार ने अपने गाँव की दीपा से शादी की। दीपा के परिजन ठाकुर है। बाद में परिवार के डर से दोनों अपने गांव से भागकर दिल्ली आ गए और बाद में लुधियाना में बस गए, जहां राजकुमार राजमिस्त्री का काम करने लगे। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।